श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। महाभैरव, महाभैरव की व्याख्यान जितनी की जाए उतना कम है। महाभैरव के बारे में बताया जाता है कि जो महादेव हैं, जो शिव है, वही महाभैरव है। शिव और महाभैरव में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जब महाभैरव की व्याख्यान होती है तो उसमें ये भी कहते हैं कि जो काली है वही महाभैरव है। आप में से जो काली का तांत्रोक्तर विधि से पूजा करते हैं उनको पता होगा कि महाभैरव के नाम से महादेव की पूजा होती है जो माँ काली के पैर के नीचे होते हैं, और जब बाणलिंग की पूजा होती है तो ऊपर जो सफ़ेद लिंग है उसकी पूजा होती है महाभैरव के नाम से। और जो भैरव जो माँ के साथ नहीं है उनको आनंद भैरव के रूप में भी पूजते हैं। तो महाभैरव की उपासना घर घर में हो सकती है। कैसे की जाती है ये उपासना? एक तो भैरव उपासना के लिए मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि एक चौमुखी दीपक अगर आप लोग रखते हैं और दीपक को मंत्रोच्चारण के साथ अगर आप बैठे हैं तो और ज़्यादा लाभ होगा, उस पर कभी और परिचर्चा हम करेंगे। लेकिन एक चौमुखा दीपक, जिसका हर एक दीपक का जो लॉ है वो एक डायरेक्शन की तरफ हो, मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऐसा हो, तो उसको स्थापित करके उसमें कम से कम तीन तरीके का तेल, मतलब सरसों का तेल, तिल का तेल और चमेली का तेल, ये सारे तेल दे करके हम जो है उसको प्रज्वलित करेंगे और उनको भैरव मानेंगे। ऐसा जब आप प्रकाशित उसको करेंगे, जब उसको जलाएंगे तो आप बोलेंगे कि हे भैरव, इस स्थान पर आकर के स्थापित हों और मेरी पूजा को ग्रहण करें। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, मैंने एक विधान आप लोगों को बताया था जहाँ पर एक पंचमुखी रुद्राक्ष को शिवलिंग के रूप में आपके घर में स्थापित करवाया गया था। जिन्होंने नहीं सुना है उनको मैं बता देता हूँ कि एक अर्घी खरीद ले पीतल का और उस पर एक अच्छा पंचमुखी रुद्राक्ष रखें और वो रुद्राक्ष को शिवलिंग के रूप में पूजे तो वो भी भैरव स्वरूप महाभैरव के रूप में उसको हम लोग मान्यता देते हैं, उनकी पूजा हम लोग महाभैरव के रूप में करते हैं। ये तो व्यवस्था हो गई कि महाभैरव की स्थापना हो गई। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कनेर की फूल की माला एक बड़े, मतलब जो दही बड़े वाले बड़े होते हैं, सरसों तेल में तला हुआ उरद जो पूरा जला ना हो, हल्का गरम किया हुआ हो, जलेबियाँ, गुड़, दही, ठीक है, ये पांच पकवान हम शुरुआत के 21 दिन वहाँ पर डालेंगे महाभैरव को वहाँ स्थापित करके, इनके मंत्र को, मूल मंत्र को सिद्ध करने के लिए। ये पांच चीज़ें हम इनको रोज़ रात में चढ़ाएंगे और सुबह किसी भी स्वान को हम इसको भक्षण करने दे देंगे। सौ इसका हम जो है खुद हम इसको नहीं भक्षण करेंगे, अगर कोई औघड़ है तो वो भक्षण कर सकते हैं, ठीक है। जो दीपक है उसके अलावा एक दीपक और जलेगा सरसों तेल का और ये 21 दिन तक अखंड रहेगा। साथ में धूप, गूगल का धूप देना है, फूल कनेर का नवेद हो गया, गूगल का धूप हो गया, और साथ में चंदन, मतलब रक्त चंदन देना है। तो रक्त चंदन कहाँ देंगे? जब आप कनेर की माला अर्पित करेंगे महाभैरव को तो उसी पर आप रक्त चंदन लेपित करके और उसके बाद भैरव जी की पूजा शुरू करेंगे। मतलब आप समझ गए कि पंच पूजा की जितनी सामग्री है वो सारी हो गई। पहले भैरव जी को स्थापित किया, चाहे तो चारमुखी दिए में या फिर एक अर्घा लिया, उस पर एक पंचमुखी रुद्राक्ष रखा और शिवलिंग के रूप में उनको स्थापित कर दिया। फिर सरसों तेल का हमने दीपक डाला, उसके साथ हमने डाला पांच तरह का नवेद, उसके साथ हमने डाला गूगल का धूप, उसके साथ हमने डाला कनेर का फूल और फिर रक्त चंदन का लेप। तो पंच पूजा जो है भैरव बाबा की संपन्न हुई। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम कमल के आसन पर बैठेंगे, कोई और आसन उपयुक्त नहीं होगा, वो भी काले कमल का आसन रखेंगे, ठीक है। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत तरह तरह के रंग रंग के आसन आते हैं, तो ये समझ लीजिए कि लाल और काला, इसके अलावा किसी तीसरे रंग का अगर आप आसन का प्रयोग करते हैं तो आप अपने नाश का एक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।
आसन का रंग जो होता है ना वो फ्रिक्वेंसी से रेजोनेट करता है, और एक आसन आपको आध्यात्मिक तौर पे आगे बढ़ा सकता है, एक आसन आपको माया की दुनिया में आगे बढ़ा सकता है, वही एक आसन आपको दरिद्रता में भी ले जा सकता है, मानसिक कलह भी आपको दे सकता है। इसीलिए काला आसन रखेंगे, रात में 11 बजे के बाद पूजा शुरू करेंगे, या सुबह में 1 से 2 के बीच में हम पूजा कर सकते हैं, ठीक है। 21 दिन तक एक समय, एक स्थान, एक समय तय करके उसके बाद हम लोग साधना शुरू करेंगे। सबसे पहले खुद को शुद्ध करेंगे, हाथ में जल लेंगे, मस्तक पर छींटेंगे, बोलेंगे ओम रक्ष रक्ष पवित्र वज्र भूमि रक्ष स्वाहा। आसन पर बैठेंगे, लेफ्ट पैर पटकेंगे ओम फट, राइट पैर पटकेंगे हुम फट, उसके बाद बैठ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक एक करके पहले तो दीपक जलाएंगे, दीपक जला के बोलेंगे हे भैरव बाबा यहाँ आकर के आप स्थापित होइए, मेरी पूजा को ग्रहण कीजिए। सबसे पहले उनके साथ एक दीपक जलाएंगे, फिर धूप जलाएंगे। क्रम ये होता है कि सबसे पहले धूप दिखाया जाता है, फिर दीपक दिखाया जाता है, फिर पुष्प दिया जाता है, फिर चंदन दिया जाता है, और अंत में नवेद दिया जाता है। सही तरीका ये है कि अंत में आप जल भी देना चाहिए आपको, तो एक गिलास वहाँ पर जल रखिए। उसके बाद रुद्राक्ष की माला से मूल मंत्र का 1000 जाप कीजिए, 10 माला। मंत्र क्या है सुनिए, 3 बार बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ओम बम 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 बटुक भैरवाय नमः, कृष्ण भैरवाय नमः। कृष्ण भैरवाय का मतलब क्या होता है, कृष्ण का मतलब हुआ काल, ठीक है। काली को भी कृष्ण बोलते हैं, तो कृष्ण जो है वो समय का एक पर्याय है। ओम बम 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 बटुक भैरवाय नमः, कृष्ण भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप करिएगा तो जीवन में शांति, जीवन में उन्नति, जीवन में प्रगति, मतलब जितना बोलूँ जो भैरव कृपा है वो प्राप्त होती है, और गृहस्थों के लिए बहुत अच्छा साधन है। मंत्र अंतिम बार सुनिए, ओम बम 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 बटुक भैरवाय नमः, कृष्ण भैरवाय नमः। मतलब बम बीज अक्षर हो गया, उसके बाद बटुक भैरवाय नमः, और कृष्ण भैरवाय मतलब काल भैरव को भी नमन है, ठीक है। तो एक ही मूल मंत्र में महाभैरव के दोनों रूपों का वर्णन हो जाता है। ये आप लोग करिए और जीवन में आनंदित हो। जिनको साधना का बेसिक विधान सीखना है, आसन बंधन जो शुरुआती साधना का विधान है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। मेरे लिखे हुए लेख और साधकों के लिखे हुए लेख, या फिर भैरव संगठन से जुड़ने के लिए www.aghortantrasya.com पर जुड़िए। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से उसमें रुद्रनाथ@cm4 सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। भगवान भैरव आप लोगों को हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।